नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट रिजल्ट 2019-2020। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 12 फरवरी 2020 की। दोस्तों हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स क्या आ रही है देखिए। विवादित प्रश्नों पर आज होगी सबसे बड़ी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, आपका केस का विवरण क्या है देखिए। दोस्तों आज की आपकी जो सुनवाई होगी वो कोर्ट नंबर 20 में एडिशनल कॉल लिस्ट में 10 नंबर पर लिस्टेड है। तो दोस्तों चलिए हम आज की जो आपकी कॉल लिस्ट जारी हुई उसको पहले हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये आज आपका केस लिस्टेड है 10 नंबर पर, ठीक है ना। केस संख्या दोस्तों 3659, ये दोस्तों आज आपका केस है और दोस्तों जो ये 10 नंबर पर लिस्टेड है। तो इंतजार करेंगे दोस्तों, जैसे ही आपके कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी तो सारी अपडेट्स आपको लाइव अपडेट्स आप तक पहुंचा दी जाएंगी कि आखिर आज कोर्ट में क्या हुआ। तो दोस्तों उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दे दिया है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग दोस्तों लाइव कोर्ट अपडेट एक्सेस कर पाएंगे जैसे आपकी कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप थोड़ी देर बाद देख रहे हो, शाम तक देख रहे हो, तो एक काम आप और कर सकते हैं। तो जो हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है दोस्तों, उसके माध्यम से आप लोग हमेशा अपडेट पा सकते हैं, ठीक है। लिंक को रिफ्रेश भी करते रहिएगा ताकि दोस्तों आपको लाइव स्टेटस पता चले आखिर कोर्ट में क्या हो रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आज की सुनवाई अहम क्यों जाने क्यों, ठीक है ना। जो आज की आपकी सुनवाई अहम है तो उसको क्यों अहम है उसको भी जानेंगे। और दोस्तों नए शिक्षक भर्ती 2020 की क्या अपडेट है, सुपर टेट की तैयारी आपको कैसे करना है और सुपर टेट सिलेबस 2020 क्या है उसको भी देखेंगे, ठीक है। काफी छात्रों के मैसेजेस आ रहे थे हमारे पास, सर सुपर टेट 2020 में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखिए सुपर टेट का सिलेबस समय समय पर बदलता रहता है। पिछले साल दोस्तों हम आपको बताते हैं दो शिक्षक भर्तियां हुई थी जल्द में, एक 68,500 थी जो 2018 में, 69,000 भी दोस्तों 2018 में ही प्रस्तावित थी। तो जो दो 68,500 शिक्षक भर्ती थी दोस्तों ये आपकी लिखित परीक्षा थी, ठीक है। 69,000 शिक्षक भर्ती आपकी ये ऑब्जेक्टिव थी, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न वाली परीक्षा थी जैसे आप यूपी टेट देते हैं। तो दोस्तों जो 68,500 शिक्षक भर्ती थी इसमें समय 3 घंटे दिया गया और 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों समय आपका 2.5 घंटे दिया गया। तो चलिए 69,000 शिक्षक भर्ती जो पिछले साल हुई थी उसकी जो सिलेबस उसको दोस्तों दिखाते हैं कि वही वाला दोस्तों सिलेबस जो होगा इस बार 2020 में पेपर होगा उसमें भी दोस्तों वही सेम सिलेबस लागू होगा। तो देखिए सहायक अध्यापकों की भर्ती की परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु, परीक्षा का समय 2.5 घंटे। तो दोस्तों जो परीक्षा का समय रखा गया था 11 बजे से लेके 1:30 तक, पूर्णांक आपका 150 नंबर का था, प्रश्नों की संख्या भी 150 थी और प्रश्न का प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा है बहुविकल्पीय। तो दोस्तों आपका पेपर कैसे पूछा गया था आइए देखते हैं, ठीक है ना। पहले दोस्तों आपके भाषा में था हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। देखिए यहाँ पर कोई भी आपका ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों इस वीडियो को जो इसका सिलेबस हम दिखा रहे हैं ये सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन दिख रही है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो कोर्ट की सारी अपडेट्स दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी और आपके कितने नंबर बढ़ेंगे वो सब कुछ जानेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए बातें हो रही, कभी बात होती है कि 2 नंबर कॉमन फिक्स हो गया, कभी बातें होती 3 नंबर कॉमन मिलना था। लेकिन दोस्तों जब तक जज साहब का फाइनल फैसला नहीं आएगा तब तक ये डिसाइड नहीं हो पाएगा कि 2 नंबर कॉमन मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को हर दिन की अपडेट सब प्राप्त करनी पड़ेगी, आखिर कोर्ट में कैसे चल रहा है सब कुछ मामला ये आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आपका सिलेबस, एक बार इसको देख लीजिए। सभी छात्रों के लिए सिलेबस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो छात्र होता है ना, कुछ छात्र यहाँ पर ऐसे होंगे जो संस्कृत अथवा अंग्रेजी में से किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव करते होंगे, दोनों तो नहीं लेते होंगे, आपने यूपी टेट में एक लिया होगा संस्कृत या तो अंग्रेजी। अब दोस्तों जब सुपर टेट का पेपर देंगे तो यहाँ पर आपका दोनों कंपलसरी होगा दोस्तों, जो आएगा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये आएगा आपका पेपर में 40 नंबर का, ठीक है। 150 नंबर का पेपर में 40 नंबर की दोस्तों वैल्यू आप समझ रहे बहुत ही अधिक होती है। अगर आप इन तीनों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका पेपर बेकार हो सकता है, ठीक है ना। तो हर एक नंबर की यहाँ पर वैल्यू बहुत अधिक होती है सुपर टेट में, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है आपके विज्ञान की। देखिए विज्ञान आपका पेपर में कितने नंबर का पूछा जाएगा, 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो मतलब 50 नंबर तो आपके यही कवर होते हैं जो कि दोस्तों बिल्कुल याद करने वाला पोर्शन है। उसके बाद बात आती है सबसे कठिन सब्जेक्ट आपके लिए गणित, 20 नंबर का दोस्तों ये आएगा। मतलब दोस्तों 20 नंबर जो बच्चे मैथ वाले होंगे, जो बच्चों मैथ अच्छी होगी वो उनके तो 20 नंबर देखिए फिक्स है, आग बंद करके दोस्तों बता रहे हैं। आप भले पहले होता ना कि हिंदी कहाँ से क्वेश्चन आएगा किसी को उतना पता नहीं रहता। देखिए सिलेबस दोस्तों जो रहेगा वो आपके इंटर लेवल तक ही रहेगा, जो हिंदी दोस्तों पूछी जाएगी। हिंदी का मतलब दोस्तों देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, साफ साफ मेंशन है भाषा हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन कक्षा 12 स्तर तक आएगा, मतलब क्लास 12 तक। तो दोस्तों कक्षा 12 की आपकी गणित आपको पता है ना कितनी अच्छी होती है, तो कितनी कठिन भी होती है, तो मतलब 12 तक यहाँ लिखा है।
आने के लिए दोस्तों हाई स्कूल तक ही है, कक्षा 6 तक है, वो बाद की बात होती है। लेकिन मेंशन दोस्तों ये है कि अगर पेपर कठिन बनाएगा एग्जामिनर तो आपको 12 तक पूछ सकता है। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक आपका रहेगा। तो जो छात्र यहाँ पर डीएलएड करते हैं उनको फायदा इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं मिलता है, जो छात्र डीएलएड के छात्र, बीएड के छात्रों को भी फायदा है, ऐसा नहीं नुकसान होता है, लेकिन उनके लिए पढ़ाई थोड़ा आसान होती है डीएलएड के छात्रों के लिए। फिर दोस्तों बात करेंगे आपके पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये आपका पेपर में कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का और पूछा जाएगा, ठीक है ना। फिर दोस्तों क्या आता है उसके बाद, आपकी बात आती है शिक्षण कौशल, ये भी पेपर में दोस्तों आपके कितने अंकों का पूछा जाएगा, 10 अंकों का, ठीक है। हम लोग लिखते हुए चल रहे हैं कि आपको कैसे तैयारी करना है। फिर बात आती है आपके दोस्तों बाल मनोविज्ञान, ये भी आपका परीक्षा में कितने अंकों का आता है, 10 नंबर का पूछा जाता है। फिर उसके बाद बात होगी दोस्तों आपकी सामान्य ज्ञान, समस्याएं, घटनाएं, ये आपका दोस्तों आएगा आपका 30 नंबर का, जनरल नॉलेज, ये दोस्तों जिसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो 30 नंबर दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। एक समझदार छात्र दोस्तों कैसे पढ़ाई करता है भी हम आपको बताएंगे दोस्तों, 30 नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात आती है आपकी तार्किक ज्ञान, ठीक है, 5 नंबर की, जिसको हम रीजनिंग कह सकते हैं, 5 नंबर की ये दोस्तों आ जाएगा। फिर बात आएगी दोस्तों आप लोगों के सूचना तकनीकी की, ये कितने नंबर का पेपर में आएगा, ये भी आपका आएगा 5 नंबर का। फिर दोस्तों लास्ट में बात होती है आपके जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये आपका पेपर में आएगा 10 नंबर का। तो दोस्तों ऐसे आपके 150 नंबर यहाँ पर कवर होते हैं। देखिए सबसे आसान दो चीजें होंगी पेपर में आपके लिए, जिसमें अगर आपने सही से फोकस कर लिया तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सी चीजें दोस्तों, सबसे पहले आपकी ये गणित 20 नंबर की, ठीक है ना, 20 नंबर ये, 30 नंबर की दोस्तों आपकी जनरल नॉलेज, मतलब 50 नंबर से यार आराम से आपके बन सकते हैं। सोचिए पहले 50 नंबर कितने जरूरी होंगे। और एक और समझदार बच्चा होगा तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत पर कंसेंट्रेट करके 90 नंबर को दोस्तों ये बदल देंगे। देखिए पासिंग मार्क इस बार जो 69,000 में दोस्तों बात हो रही है, आप लोगों को पता होगा जो कोर्ट में केस चल रहा है, पासिंग मार्क को लेकर केस हुआ है। ये सरकार ने दोस्तों पता क्या बात कही, याद रखिएगा हर एक छात्र को एकदम याद कर लेना इस लाइन को, जब छात्रों की संख्या बढ़ेगी पेपर में तो सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो समय समय पर कटाप बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 68,500 दोस्तों आपके पूरी, हम इस समय डिटेल आपको इसलिए दे रहे हैं कि आगे जब आप लोग के टाइम में लड़के तो बढ़ने ही वाले, छात्र तो बढ़ेंगे ही, ठीक है ना, लड़के लड़कियां, ऐसा नहीं है कि छात्र कम होंगे। 68,500 दोस्तों 1,25,000 छात्रों ने आवेदन किया था। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों उसके बाद आई कुछ ही महीनों बाद, उसमें दोस्तों जो छात्रों के आवेदन करने की संख्या बढ़ के आगे 4,10,000। सोचिए 1,25,000 से ये छात्र बढ़कर कितने हो गए आपके, 4,10,000। इसमें जो कट ऑफ रखी गई थी दोस्तों वो 60 नंबर और 67 नंबर रखी गई थी। जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए 67 नंबर और आरक्षित वर्गों के लिए दोस्तों 60 नंबर। वैसे दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में बात हो रही 90 और 97 नंबर कट ऑफ की। सोचिए कितनी ज्यादा कट ऑफ बढ़ गई, सीधे 60 से 90 हो गया, 67 से 97, मतलब 30 नंबर का फर्क आ गया। अगर खाली दोस्तों छात्रों की संख्या से हम बात कर रहे हैं, छात्रों की संख्या कितनी थी पहले, 68,500 में 1,25,000 छात्र आवेदन किए थे, 69,000 में 4,10,000 किए। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि जब आने वाले टाइम में आपके टाइम में अगर सुपर टेट में कोई वैकेंसी आती, मान लेते 23,000 पद इसमें 68,500 में खाली है, अगर यही शिक्षक भर्ती आती है तो इसमें कट ऑफ क्या हो सकती है, आप सोचिए अनुमान लगाइए। छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो कट ऑफ बढ़ेगी, तो आपके टाइम में कम से कम नहीं तो 10 लाख के करीब छात्र हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों 10 लाख के छात्र के करीब होंगे, हम ये नहीं कह रहे 10 लाख ही होंगे, उसके करीब करीब आपके लिए आवेदन हो जाएंगे, तो आपका जो कट ऑफ होगा दोस्तों वो 100 के ऊपर भी निकल सकता है। जो सरकार कहती है कि भाई समय समय पर सरकार के पास अधिकार होता है कट ऑफ को, अधिक सरकार ने ये कहा कि कट ऑफ को अगर हम बढ़ा देंगे, अगर आपके पासिंग मार्क को बढ़ाया जाएगा, ये कट ऑफ नहीं दोस्तों एक तरीके से, ये आपकी पासिंग मार्क है, अगर आप 90 से कम नंबर लाते हैं तो आपको यहाँ पर फेल समझा जाएगा। जैसे आपका यूपी टेट हुआ था ना अभी, 82 नंबर और 90 नंबर, अगर आपके 90 से एक भी नंबर 89 हो गए और आरक्षित वर्गो में 81 नंबर अगर आज की डेट में है तो दोस्तों आप फेल की कैटेगरी में आते हैं। तो वही दोस्तों बात यहाँ पर भी होगी, तो इसीलिए कह रहे हैं अगर आप जो तैयारी करें सुपर टेट की तो बहुत ही ध्यान से करें, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें फोकस कहाँ कहाँ करना है, 40 नंबर ये, 20 नंबर ये और 30 नंबर ये, ठीक है ना। 90 नंबर दोस्तों आपके कहीं नहीं जाएंगे, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको स्कोर कर सकते हैं। बाकी चीज आप पढ़ते रहिए, किसी चीज की दोस्तों ये नहीं कि आपको कुछ छोड़कर पढ़ाई करनी है, सब कुछ आपके लिए जरूरी होता है, तो आपको ध्यान देना है कि आप कहाँ से कितना अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। हर जगह दोस्तों आप कंसंट्रेट करेंगे, आज की आपकी सुनवाई होगी जरूर, और दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपके आज ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़ाए जाए। जी हाँ दोस्तों कम से कम 5 नंबर अगर कॉमन आपको मिल जाते हैं तो आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा सभी छात्रों का, काफी छात्र ऐसे होंगे 5 नंबर में दोस्तों कम से कम नहीं तो
50,000 छात्र दोस्तों आ जाएंगे जो फेल से पास होने की कैटेगरी में आ जाएंगे। 50,000 से लेकर दोस्तों इनकी संख्या 1 लाख तक हो सकती है। तो सोचिए इतने ज्यादा छात्रों का फायदा होगा, क्योंकि इस बार पास होने वाले छात्रों की संख्या काफी कम है और फेल होने वाले छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आज की आपकी सुनवाई अहम है, जानिए क्यों। देखिए दोस्तों आज की सुनवाई इसलिए अहम है क्योंकि अभी आपकी कल सुनवाई हुई थी, कल के बाद दोस्तों आज अब आपकी 12 तारीख को हो रही है। देखिए दोस्तों जितने भी केस के अपडेट्स आएंगे वो हम आपको वेबसाइट के माध्यम से देंगे, उसका लिंक जो हमने बोला कि आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा उसमें जाकर आप रिफ्रेश करके चेक करते रहिए, ठीक है ना। नई शिक्षक भर्ती 2020 की दोस्तों आपको प्रॉपर अपडेट दी जाती रहेंगी कि कैसे क्या हो रहा है नई शिक्षक भर्ती में, ठीक है। अभी दोस्तों फिलहाल आप कमी होंगे, देखिए दोस्तों आज तक का प्रस्तावित था कुछ शिक्षक जगह जो आपके जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती आने वाली थी, आपको पता होगा। तो दोस्तों वो आज तक उनको अपना डेटा देना है कि किस स्कूल में कितने शिक्षकों की कमी है। तो दोस्तों आज फाइनल हो सकता है कल या परसों तक या कुछ ही दिनों में दोस्तों उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि अभी कितने पद रिक्त हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी भर्ती आने से पहले इसको ये पता लगाया जाता है कि कहाँ पर किस स्कूल में कितने ज्यादा टीचर्स की या शिक्षकों की कमी है, उसके आधार पर कोई शिक्षक भर्ती आती है, ठीक है। अधिक अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट सभी छात्रों को। आज आपका केस दोस्तों सुनवाई होगी, उसके बाद हम सारी अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।